वेलकम वेलकम रूबी के दिल में वेलकम, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हमारा ईद का दिन है, कुछ जगहों पे कल ईद है। आज जब सूफियाना बोटी कबाब जब गई तो लोगों ने इस कदर कमेंट किया, मुझे ईद की मुबारकबाद दी, तारीफ़ें भी की, खुश भी हुए, मज़े भी किए उन्होंने। तो मैंने सोचा ईच एंड इंडिविजुअल को मैं जवाब दूँ, तो मुझे तो सबको डायरेक्ट कहने का बड़ा दिल है कि ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। बहुत सारी ढेरों दुआएं भी देनी है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में जो बीमार है वो सेहतियाब हो जाए। तो सारा रूबी का किचन की फैमिली हम दुआ करते हैं कि जो जो बीमार है, जिन जिन को परेशानियां हैं, सब उनकी दूर हो और वो जल्दी जल्दी मज़े से हो जाए। और जो मज़े से हैं वो उनके यहाँ तो कुर्बानियाँ हो रही होंगी, खूब औरतों के तो ख्वारी का दिन है आज पक्का, और मर्द मज़े से खाएंगे पिएंगे। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि आप लोग वर्क स्मार्ट करें, हार्ड नहीं करें। जब मज़े मज़े के खाने खिलाएं ना तो वो खुश हो जाएंगे, तो वो आपका हाथ बटाएंगे, इस तरह झटपट सारा काम ख़त्म होगा और फिर आप बने सजे संवरे, चूड़ियाँ पहने, मेहंदियाँ लगाएं और फिर मज़े करें, ईद की खुशियाँ मनाएं। मैं ईद की खुशी देखे किस तरह से मना रही हूँ, पार्क में आके आप देखें यहाँ कितने खूबसूरत खूबसूरत डकीज़ हैं, इतना हरियाली है, इतना खूबसूरत मौसम है, और ये देखिए झील है, और बस हमारी फैमिली क्या कहते हैं मज़े से खा पी रही है और इंजॉय कर रही है। क्योंकि अब हर मरतबा तो नहीं कर सकते ना इस तरह से, क्योंकि इतना सोशल डिस्टेंसिंग की इस वक्त प्रेशर है। तो अब लास्ट वाली ईद आप लोगों ने अगर नहीं देखी है, उसका ब्लॉग मैंने बनाया था, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। उसमें हमने एक अलग तरह से मनाया था, इसमें तो पार्क में मनाया है तो चले मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक और खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोगों ने कैसी ईद मनाई और क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी मज़ेदार बातों के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।